चुका था बहुत पहले ही, और जो जीत का सहरा है वो शिल्पी तिर्की के सर पर तो सच चुका है। आज नए विधानसभा में वो पहुंची और उन्होंने शपथ लिया, और शपथ बहुत शालीनता से लिया, और साथ ही पैर छूकर प्रणाम भी किया उन्होंने सबको जो स्पीकर थे। इसके साथ ही उन्होंने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और कहा कि ये पूरा टीम वर्क है हमारी जीत, एक एक इंसान का काम नहीं है। इसके साथ ही स्पीकर ने कहा कि जो महिला निकलकर अब सामने आ रही है, यंग महिला, पढ़ी लिखी महिला अब जो पॉलिटिक्स में घुस रही है, कहीं ना कहीं ये राजनीति का समीकरण अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक जमाना था जब पर्दा सिस्टम था, घूंघट सिस्टम था, जो महिलाएं थी वो चौखट पर भी आने के लिए सोचती थी, लेकिन आज वो दौर है जहां महिलाएं डट कर सामने आ रही है, यंग पढ़ी लिखी कम उम्र की महिलाएं सामने आ रही है, पढ़ी लिखी राजनीति में विधानसभा में अपना पक्ष को रख, कहीं ना कहीं ये न्यू इंडिया, ये बदलता हुआ भारत को दिखाता है, और ये प्रेरणा देगा स्कूली बच्चों से लेकर जो महिलाएं हैं उनको, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रेरणा देगा राजनीति में आने के लिए। क्योंकि अगर हम राजनीति को देखें तो आदमियों का दबदबा महिलाओं के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहता है। इसके साथ ही हमारी बात स्पीकर से तो हुई, आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सबको पता होगा पिछले समय में बंधु जी को उनके सदस्यता से हटना पड़ा था, और उन्हीं के हटने के चलते ये सीट रिक्त हुआ था माडर विधानसभा क्षेत्र, और रिक्त होने के बाद फिर वहाँ पर चुनाव हुआ, और संयोग से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में माननीय बंधु तिर्की जी के सुपुत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी उस विधानसभा में भारी बहुमत से विजय हासिल किया, और आज हम लोगों ने उनका शपथ दिलाने का काम किया। वे पंचम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य के रूप में रहेंगे। जी, महिलाओं का स्ट्रेंथ विधानसभा में बढ़ रहा है, तो एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल अच्छा संकेत है, जब आधी आबादी महिला का है तो निश्चित रूप से इन लोगों का बढ़ना एक शुभ संकेत है। और नियम भी है कि प्रकृति जितना कुछ चीज़ दिया है, आधा पुरुष का आधा नारी का, इसलिए हर चीज़ में उनका हिस्सा मिलना चाहिए। इसके साथ ही हमने हफीजुल अंसारी जी से भी बात कर, मंत्री से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि बहुत खुशी की बात है कि शिल्पी तिर्की जी ने जीत दर्ज कराई, और इसके साथ ही हमारे जो गठबंधन है उनको मजबूत किया। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिल्पी तिर्की को समर्थन देने के बारे में मीटिंग होगी, चर्चा होगा, उसके बाद हम लोग उनसे, असल में ये सवाल पूछा गया था कि जेएमएम जो है वो शिल्पी तिर्की को सपोर्ट करेगी या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पहले सोचेंगे, मीटिंग होगा, विचार विमर्श होगा, ये सिर्फ एक का नहीं है बल्कि पूरे टीम का फैसला होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये सुनते हफीजुल अंसारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, यहाँ की वो राज्यपाल रह चुकी है, इसीलिए उनके आगमन का स्वागत किया गया है। जेएमएम की तरफ से क्या होगा, अब जब मुख्यमंत्री खुद स्वागत कर रहे हैं तो क्या अब ये समझा जा सके कि जेएमएम का साथ अब एनडीए को मिलेगा? अभी वो बात नहीं हुई है पार्टी में, पार्टी जो निर्णय लेगी, गुरुजी जो निर्णय लेंगे वही होगा। देरी क्यों हो रही है, आखिर पार्टी क्या सोच रही है, विलम्ब? वो तो आला कमान का जैसे आदेश होगा, अभी मीटिंग होने वाला है, उसके बाद ही हम लोग बोल सकते। आपको लगता है ये पार्टी थोड़ा कंफ्यूज्ड है इस मामले में, बहुत कंफ्यूज्ड हो चुकी है, किसको समर्थ कर रहे हैं, यशवंत जी को या द्रौपदी को? नहीं, पार्टी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आप कह रहे कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है? नहीं, देखिए, ये हेमंत बाबू का नेतृत्व में ये चौथी उपचुनाव जो हम लोग जीते, और ये उपचुनाव बहुत टफ था। हेमंत बाबू का कुशल नेतृत्व और उनका जो टीम वर्क जो वहाँ हुआ, उसी के चलते हम लोग भारी मतों से जीते, और जिस तरह बंधु जी का सदस्यता गया तो कहीं ना कहीं लोगों में ये आक्रोश था कि इतना कम रकम में सदस्यता जाना ये अच्छी बात नहीं है, उसी के लिए वहाँ के लोगों ने बंधु जी की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की को फिर वहाँ से चुन करके भेजा। तो आपने देखा कि इन दोनों ने, स्पीकर ने और हफीजुल अंसारी ने साफ तौर पर किया है कि बधाइयां दी है शिल्पी तिर्की के शपथ ग्रहण का, और साथ ही कहा है कि द्रौपदी मुर्मू पे कुछ भी स्पष्ट कहने से मंत्री जो है वो बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जैसा अभी आपको बताया कि बहुत बड़ा ये मुद्दा है राष्ट्रपति चुनाव का, किसको समर्थ करती है सीएम हेमंत सोरेन, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जो भी अपडेट होगा जीएन भारत में आपको हम लगातार देते रहेंगे। देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।